जो उर्दू की महफिलें सजाई जाती हैं, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। ये हेलो मुशायरा जो है, कैमरा लगा हुआ है मुस्तकीम भाई, इसके ज़रिए मैं महबूब नगर की सामईन की जानिब से और जितने मेहमानान बैठे हुए हैं, चाहे हमारे सदर हों आली जनाब बाबर शेख नासिर साहब या हमारे मेहमान मोहम्मद अब्दुलरहमान सेठ साहब या तैयब बाशवर साहब और जो हमारे कन्वीनर हैं आली जनाब यूसुफ अली बाबा साहब, मैं तमाम महबूब नगर के लोगों की जानिब से पूरे मुल्क हिंदुस्तान को एक मैसेज आज के इस मुशायरे में देना चाहता हूँ कि संजीदगी के साथ बहुत जी न पाओगे, बढ़ती रहेगी उम्र अगर मुस्कुराओगे। अगर लगे कि आप महबूब नगर के लोग पूरे मुल्क हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं, चौथे मिसरे में अगर आपको लगे तो मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा कि संजीदगी के साथ बहुत जी न पाओगे, बढ़ती रहेगी उम्र अगर मुस्कुराओगे। माचिस तुम्हारे हाथ में है, तुम ही तय करो। माचिस तुम्हारे हाथ में है, तुम ही तय करो, इससे दिए जलाओगे या घर जलाओगे। माचिस तुम्हारे हाथ में है, तुम ही तय करो, इससे दिए जलाओगे या घर जलाओगे। इस मुल्क हिंदुस्तान में वो कोई भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मजहब का बाशिंदा हो, होना तो ये चाहिए कि नवाज देवबंदी साहब ने कहा था कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे लिखा हो मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे लिखा हो मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। मैं चाहता हूँ दोस्तों, आइए अब उस शायर से मुलाकात की जाए। फरहान दिल साहब ने कहा था कि जहाँ ज़रा सी भी तकलीफ़ उसे पहुँचती थी, वो दिल के ज़ख्म मुझे ही दिखाने आता था। अब चौथे मिसरे में आपके आसपास का कोई ना कोई किरदार आपकी आंखों में आ जाएगा कि जहां जरा सी भी तकलीफ उसे पहुंचती थी, वो दिल के जख्म मुझे ही दिखाने आता था। नजर बचा के जो गुजरा है कार में अपनी, गरीब था तो मुझे घर बुलाने आता था। नजर बचा के जो गुजरा है कार में अपनी, गरीब था तो मुझे घर बुलाने आता था। एक ऐसा ही शायर मैं आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूं, जो ऐसे शायर तो बहुत मिल जाएंगे हिंदुस्तान में जो महबूबा के खूबसूरत चेहरे पर शेर कहते हों, महबूबा के लबो रुखसार पर शेर कहते हों, बहारों पर शेर कहते हों, लेकिन एक ऐसा शायर जो इस माशरे में जो दबे कुचले लोग हैं उन लोगों पर शायरी करता है, इस माशरे में जिन्हें अपनों से तकलीफ़ पहुंचती है उनके दर्द को बयान करता है वो शायर। मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शायर से करवाने जा रहा हूँ जिसे पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में मकबूलियत इसलिए मिली है कि उस शायर के मजमूए कलाम का नाम ही आस्तीन के सांप है। उस शायर की शायरी में वो तस्करा किया जाता है जो आस्तीन के, आस्तीन में रहने वाले लोग जब डसते हैं तो इंसान का जो दर्द होता है, उस दर्द और कर्ब को जो शायर शायरी बनाने का हुनर जानता है, उसे और हमें, उसे पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में आरिफ सैफ़ी के नाम से जाना जाता है। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत कम वक्त में सोशल मीडिया के हवाले से इस शायर ने बहुत तवील सफ़र तय किया है और जहाँ जाता है कहानी मेरी रुदादे जहाँ मालूम होती है, कहानी मेरी रुदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। आइए आपकी बात करने के लिए आरिफ सैफी साहब आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आज की इस बज़्म में मोहब्बत में मोहतरम आरिफ सैफी साहब। इशारे पर उसी के पहले तो सैलाब आता है, किनारे पर वही फिर नूह की कश्ती लगाता है। इशारे पर उसी के पहले तो सैलाब आता है, किनारे पर वही फिर नूह की कश्ती लगाता है। और परेशानी में भी हरगिज परेशान तुम नहीं होना, खुदा ईमान वालों को ही अक्सर आजमाता है। मिले कीमत तो फिर जालिम को भी मजलूम कहते हैं, बड़े नादान हैं वो खुद को जो मासूम कहते हैं। मिले कीमत तो फिर जालिम को भी मजलूम कहते हैं, बड़े चालाक हैं वो खुद को जो मासूम कहते हैं।
जो दौलत के लिए खुद मार लेते हैं जमीर अपना, हम ऐसे जिंदा इंसानों को भी मरहूम कहते हैं। मिले कीमत तो फिर जालिम को भी मजलूम कहते हैं। बड़े चालाक हैं वो खुद को जो मासूम कहते हैं। जो दौलत के लिए खुद मार लेते हैं जमीर अपना, हम ऐसे जिंदा इंसानों को भी मरहूम कहते हैं। 100 बार उतारे भी अगर कैचुली अपनी, जो सांप से पैदा है सपोला ही रहेगा। 100 बार उतारे भी अगर कैचुली अपनी, जो सांप से पैदा है सपोला ही रहेगा। और दौलत से फकत जेब ही हो सकती है भारी, हल्का है अगर खून तो हल्का ही रहेगा। हमें मालूम है सब कुछ तेरी जो भी कहानी है, तुझे तो बस फरेब व मकर से दौलत कमानी है। हमें मालूम है सब कुछ तेरी जो भी कहानी है, तुझे तो बस फरेब व मकर से दौलत कमानी है। और भले ही कीमती पोशाक में खुद को छुपा ले तू, तेरा लहजा बता देगा तू कितना खानदानी है। हमें मालूम है सब कुछ तेरी जो भी कहानी है, तुझे तो बस फरेब व मकर से दौलत कमानी है। और भले ही कीमती पोशाक में खुद को छुपा ले तू, तेरा लहजा बता देगा तू कितना खानदानी है। उसको सदके में मिल गई दौलत, बाहुनर बाजमीर थोड़ी है। उसको सदके में मिल गई दौलत, बाहुनर बाजमीर थोड़ी है। और हल्कापन तो दिखाएगा ही वो, खानदानी अमीर थोड़ी है। उसको सदके में मिल गई दौलत, बाहुनर बाजमीर थोड़ी है। उसको सदके में मिल गई दौलत, बाहुनर बाजमीर थोड़ी है। और हल्कापन तो दिखाएगा ही वो, खानदानी अमीर थोड़ी है। मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। और किसमें कितना जहर है हमको है मालूम, सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। किसी भी मजहबी भाई के बिल्कुल काम मत आना, परेशानी बस अपनी अपनी खुद ही झेलते रहना। किसी भी मजहबी भाई के बिल्कुल काम मत आना, परेशानी बस अपनी अपनी खुद ही झेलते रहना। जो दुश्मन दीन का है जीत कर ले जाएगा बाजी, मुसलमानों तुम अपना फिरका फिरका खेलते रहना। अंधा मुझको मान लिया है चश्मा बनकर मिलता है, गैरों से बदतर है फिर भी अपना बनकर मिलता है। अंधा मुझको मान लिया है चश्मा बनकर मिलता है, गैरों से बदतर है फिर भी अपना बनकर मिलता है। आरिफ बस अल्लाह ही जाने राज सियासत का उसकी, मुझसे एक जहरीला अक्सर मीठा बनकर मिलता है। आस्ती में भी छिपा करके तो ला सकता था, तूने खंजर क्यों हाथों में खुला रखा है। आस्ती में भी छिपा करके तो ला सकता था, तूने खंजर क्यों हाथों में खुला रखा है। और कत्ल कर दे तू मेरा पर यूं सरेआम न कर, मैंने दुनिया से तुझे दोस्त बता रखा है। रिश्तों के बाग को हरा रखने के वास्ते, जितना बदन में खून था सब दे चुका हूं मैं।
रिश्तों के बाग को हरा रखने के वास्ते जितना बदन में खून था सब दे चुका हूं मैं, गर हो सके तो सांप से डसवाइए मुझे, इंसान के जहर का तो मजा ले चुका हूं मैं। सीधे सीधे टकराते और पछाड़ देते हम, उनके नाम का पन्ना ऐसे फाड़ देते हम। सीधे सीधे टकराते और पछाड़ देते हम, उनके नाम का पन्ना ऐसे फाड़ देते हम। और बेशुमार है आरिफ सांप आस्तीनों में, एक दो अगर होते कब का झाड़ देते हम। बातें लच्छेदार बनाने आते हो, धोखा कितने प्यार से देकर जाते हो। बातें लच्छेदार बनाने आते हो, धोखा कितने प्यार से देकर जाते हो। और शहद से भी मीठा लगता है जो मुझको, यार तुम ऐसा जहर कहां से लाते हो। इसका उसका पानी भरना छोड़ दिया हमने, आरिफ तिल तिल मरना छोड़ दिया। इसका उसका पानी भरना छोड़ दिया हमने, आरिफ तिल तिल मरना छोड़ दिया। देख के असली चेहरे कुछ इंसानों के, जंगल के सांपों से डरना छोड़ दिया। जरूरत ही नहीं पड़ती किसी भी जाम की आरिफ, मैं अपने अश्क पीकर भी खुशी से झूम लेता हूं। जरूरत ही नहीं पड़ती किसी भी जाम की आरिफ, मैं अपने अश्क पीकर भी खुशी से झूम लेता हूं। और पुराने जहर के पूरा उतर जाने से पहले ही मैं फौरन दोस्तों के हाथ जाकर चूम लेता हूं। इस दौरे तरक्की में हर एक काम है मुमकिन, हैरत नहीं कि बास कबूतर से डर गया। इस दौरे तरक्की में हर एक काम है मुमकिन, हैरत नहीं कि बास कबूतर से डर गया। और ये भी खबर थी आज के अखबार में छपी, इंसान के काटने से कल एक सांप मर गया। तुम चाहो तो झूठ समझ लो पर ये किस्सा सच्चा है, कुछ की खातिर है ये इबादत कुछ की खातिर धंधा है। तुम चाहो तो झूठ समझ लो पर ये किस्सा सच्चा है, कुछ की खातिर है ये इबादत कुछ की खातिर धंधा है। और बाप की खिदमत करी उम्र भर आरिफ लायक बेटे ने, बाप की दौलत में लेकिन नालायक का भी हिस्सा है। कहां तक वो चला पाते भला अपनी जबरदस्ती, सितम को जेर तो होना ही था फरियाद के आगे। कहां तक वो चला पाते भला अपनी जबरदस्ती, सितम को जेर तो होना ही था फरियाद के आगे। अकड़कर जो दिखाते थे कभी मां बाप को अपने, उन्हें झुकना पड़ा है अपनी ही औलाद के आगे। जो अपने बाप को बख्शा था तूने बदजुबानी से, उसी गम से तेरा बेटा भी तुझको जोड़ डालेगा। जो अपने बाप को बख्शा था तूने बदजुबानी से, उसी गम से तेरा बेटा भी तुझको जोड़ डालेगा। और बहुत पछताएगा उस वक्त तू अपनी खताओं पर, बुढ़ापा जब जवानी का तकब्बुर तोड़ डालेगा। अगर किस्मत की पेशानी पे बल आया तो क्या होगा, तेरी भी जिंदगानी में ये पल आया तो क्या होगा। अगर किस्मत की पेशानी पे बल आया तो क्या होगा, तेरी भी जिंदगानी में ये पल आया तो क्या होगा। और सितम ढाना तू बस ये सोच कर मुझ पर मेरे बेटे, तेरा बेटा भी तुझ जैसा निकल आया तो क्या होगा। है मोम सा नाजुक जो नजर आता है पत्थर, ये जानकर भी दिल से कभी मान ना पाए। है मोम सा नाजुक जो नजर आता है पत्थर, ये जानकर भी दिल से कभी मान ना पाए। आरिफ जो मैं सच बोलूं तो ये माँ की कमी है, औलाद अगर बाप को पहचान ना पाए। बहुत अच्छा शेर आपने जाहिर कर दिया। अच्छा
है मोम सा नाजुक जो नजर आता है पत्थर, ये जानकर भी दिल से कभी मान ना पाए। आरिफ जो मैं सच बोलूं तो ये माँ की कमी है, औलाद अगर बाप को पहचान ना पाए। कभी मुश्किल से होगी और कभी आराम से होगी, तेरी इज्जत जमाने में ये माना काम से होगी। कभी मुश्किल से होगी और कभी आराम से होगी, तेरी इज्जत जमाने में ये माना काम से होगी। तू शोहरत की बुलंदी पर पहुंचकर भूल जा, लेकिन तेरी पहचान तेरे बाप के ही नाम से होगी। कभी मुश्किल से होगी और कभी आराम से होगी, तेरी इज्जत जमाने में ये माना काम से होगी। तू शोहरत की बुलंदी पर पहुंचकर भूल जा, लेकिन तेरी पहचान तेरे बाप के ही नाम से होगी। हाय औलाद ने ये बात नहीं जान, दिल लगा के सुनना भाई इस नज़्म को। हाय औलाद ने ये बात नहीं जानी है, बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है। हाय औलाद ने ये बात नहीं जानी है, बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है। जो बदलता नहीं वो प्यार का मौसम है बाप, आबे कौसर सी अगर माँ है तो जमजम है बाप। जो बदलता नहीं वो प्यार का मौसम है बाप, आबे कौसर सी अगर माँ है तो जमजम है बाप। और माँ की अजमत को भी वो लोग घटा देते हैं मर्तबे में जो कहें माँ से जरा कम है बाप। माँ की अजमत को भी वो लोग घटा देते हैं मर्तबे में जो कहें माँ से जरा कम है बाप। उनकी नासमझी है ये, उनकी ये नादानी है। बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है, बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है। बंद देखेगा, जो भी हालात हो उनमें ही वे ढल जाता है और मेहनत के शरारों में पिघल जाता है। जो भी हालात हो उनमें ही वे ढल जाता है और मेहनत के शरारों में पिघल जाता है। रात को घर में वो आता है थका हारा, पर सुबह को फिर से कमाने को निकल जाता है। रात को घर में वो आता है थका हारा, पर सुबह को फिर से कमाने को निकल जाता है। उसकी हिम्मत ने कभी हार कहां मानी है, बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है। बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है। आरजुओं को वो लड़ के हरा देता है, अपने हर शौक पे पाबंदी लगा देता है। आरजुओं को वो लड़ के हरा देता है, अपने हर शौक पे पाबंदी लगा देता है, और फिर कब्र की गहराइयों में जाने तक अपने बच्चों को बुलंदी की दुआ देता है। और फिर कब्र की गहराइयों में जाने तक अपने बच्चों को बुलंदी की दुआ देता है। उसके जज्बात का मेयार ये लासानी है, बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है। बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है। और फिर कब्र की गहराइयों में जाने तक अपने बच्चों को बुलंदी की दुआ देता है। बाप की जात का मफहूम ही कुर्बानी है। हमारे माशरे में माँ के मकाम और अजमत पर माँ के नाम से उर्दू अदब में बेशुमार अनगिनत शेर कहे गए। बाप की जात पे शेर मिलते ही नहीं हैं, लेकिन आरिफ सैफी साहब ने जो नज़्म लिखी है मैं उन्हें बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाहिद ज़की का एक शेर मुझे याद आता है इस वक्त कि मुसाफत मुंतज़िर है बाप की पगड़ी के पेचों में। सुनिएगा शेर, अगर महबूब नगर के लोग शेर सुनना चाहते हैं तो कुछ ऐसे ख्यालात ऐसे शेर आप तक पहुंचा के जाएंगे हम तमाम लोग कि आपको ये शाम याद रह जाएगी। शाहिद ज़की कहते हैं कि मुसाफत मुंतज़िर है बाप की पगड़ी के पेचों में, ये वो इदराक है जो माँ के पल्लू में नहीं होता। यकीनन औलाद की पहली दरसगाह माँ होती है, घर आंगन में वो बच्चे की तरबियत करती है उसके शऊर आने तक, लेकिन जब तक वो बच्चा अपनी बाप की उंगली पकड़कर घर से बाहर निकलकर दुनिया नहीं देखता वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहीं से शेर बनता है कि मुसाफत मुंतज़िर है बाप की पगड़ी के पेचों में, ये वो इदराक है जो माँ के पल्लू में नहीं होता। माँ वो उन चीज़ों से बच्चे को रोशनास नहीं करवा सकती है जिससे आगा उसे बाप करवाता है अपने बच्चे को।